शिक्षक साइंस एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। उस चैनल पर मैं सिखाता हूँ साइंस स्टूडेंट साइंस ट्रिक्स आर्ट्स और मैजिक। तो आज आपको एक अमेजिंग मैजिक दिखाने वाला हूँ जो आप भी वो देख के हैरान हो जाने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पे तीन ग्लास है ऐसे, और उसमें एक इसमें मैंने पानी भरा है और दो गिलास खाली है। तो ये ग्लास में मैं मैजिक से वो पानी का गुलाबी शरबत बनाने वाला हूँ, और ये जो ग्लास दिख रहा है आपको जहाँ पे नींबू यहाँ पे मैंने रखा है तो उसका मैंने लेमन जूस बना देने वाला हूँ वो गुलाबी शरबत का। तो ये पानी है, पानी का मैं गुलाबी शरबत बनाऊंगा, गुलाबी शरबत का लेमन जूस बना दूंगा मैजिक से। तो 1, 2 एंड 3 इसको ये लिया पानी को और इसमें डालता हूँ। तो ये देखिए, तो ये बन गया गुलाबी शरबत, और इसके बाद ये गुलाबी शरबत का मैं बना दूंगा लेमन जूस या नींबू शरबत, और इसमें डाल दिया। ये देखिए, अब ये मैजिक हुआ कैसे और इसके पीछे क्या साइंस है मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैजिक दिखाने से पहले, इसका राज दिखाने से पहले, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रविवार सुबह 8 बजे नया वीडियो आपके लिए लाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं अपने ये मैजिक पे। तो ये मैजिक है केमिस्ट्री की। तो केमिकल अपने को लगने वाले दो चीज़ें जो है वो तो अपने घर में रहने वाली है, एक है नींबू और एक है वॉशिंग पाउडर, और तीसरा वाला जो है जो इंडिकेटर का काम करेगा वो है फिनोफेलिन, इसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है और मैं वो सब डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा आपको। तो फिनोफेलिन ये जो दर्शक उसका काम करता है इंडिकेटर का, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो अपना वॉशिंग पाउडर, और ये एसिटिक एसिड जिसमें वो उसका लेमन जूस बनेगा वो है अपना नींबू का रस। यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, रख दिया ग्लास में। तो सबसे पहले क्या करना है, तो फिनोफेलिन आपको कोई भी केमिकल जो साइंटिफिक ये रहते हैं इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे आपको ये फिनोफेलिन मिल जाएगा, और ये दोनों चीज़ें तो अपने घर में ही है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एसिड बेस रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो ये है नींबू जो उसका रस निकला है मैंने, वो है एसिटिक एसिड, जो एसिड है बेस जिसको बोलते हैं वो है वॉशिंग पाउडर जिसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और फिनोफेलिन वो है इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर का काम करेगा और इनका कलर चेंज कर देगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये फिनोफेलिन जो है ये फर्स्ट वाले इसमें 3-4 ड्रॉप डालूँगा इसको मैं फिनोफेलिन के ये पानी में, और उसके बाद ये जो फिनोफेलिन डालने के बाद ये जो इंडिकेटर है ये इंडिकेटर में ये सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, तो वॉशिंग पाउडर मैं इसमें 1 चम्मच यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, ये ऐसे इस तरह से इतना बहुत हो जाएगा। और थर्ड जो ग्लास है उसमें मैंने नींबू रस डाल के रखा है, तो ये जो है फिनोफेलिन में मैं डालूँगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं वॉशिंग पाउडर उसमें, तो ये इसका रंग हो जाएगा गुलाबी, और गुलाबी रंग में इसका जो है गुलाबी शरबत वो डालूंगा एसिटिक एसिड में या नींबू शरबत इसको बना दूंगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन होता है, इसके कारण इंडिकेटर जो है वो अल्कलाइन जो रहता है वो जो है वो है वॉशिंग पाउडर, इसके लिए उसका कलर चेंज हो जाता है वो गुलाबी बन जाता है, और एसिडिक एसिड ये होने का ये अल्कली होने के कारण ये फिनोफेलिन के साथ उसका एसिडिक रिएक्शन होता है और उसके कारण उसका कलरलेस हो जाता है। तो सबसे पहले ये फिनोफेलिन जो है ये है इंडिकेटर वो मैं वॉशिंग पाउडर में डालूंगा, तो ये हो गया है गुलाबी शरबत, और गुलाबी शरबत का बना दूंगा मैं जैसे नींबू रस में डाल दूंगा तो ये होगा लेमन जूस। ये देखिए, तो आपको पता ही चल गया होगा ये कैसा करना है, एसिड बेस रिएक्शन एसिड बेस इंडिकेटर उसको कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो अपने को आपको घर में मिल जाएंगे, वॉशिंग पाउडर और नींबू रस फिनोफेलिन, ये आपको सिर्फ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं हमारी दुकान में आपको लेना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और जैसे पहले बोला मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वही कहूँगा स्वस्थ रहें मस्त रहें और नया कुछ सीखते रहें। बाय।